जय हिंद दोस्तों, एक नई भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया गया है सब इंस्पेक्टर के पदों के लिए, जिसमें कि 10% वैकेंसीज भूतपूर्व सैनिकों के रिजर्व करके रखी गई हैं। ऑनलाइन के माध्यम से अप्लाई करना होगा, पूरे भारत से अप्लाई कर सकते हैं। पूरी जानकारी इस वीडियो में मिलेगी, उससे पहले चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर दें। भूतपूर्व सैनिकों की सभी खबर आपको इस चैनल पर मिलती रहेगी। तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर डायरेक्टर जनरल बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की तरफ से नोटिफिकेशन जारी किया गया है। ऑनलाइन के माध्यम से अप्लाई करना होगा और यहाँ पे जो वैकेंसी है ग्रुप बी की वैकेंसीज है और ऑल इंडिया से अप्लाई कर सकते हैं। 10% कोटा भूतपूर्व सैनिकों के रखा गया है। वैकेंसीज में सबसे पहले इंस्पेक्टर की पोस्ट है जो कि मात्र एक है, उसके अलावा सब इंस्पेक्टर वर्क्स की 57 पोस्ट है। 3-5 पोस्ट भूतपूर्व सैनिकों के रिजर्व करके रखे गए हैं। दूसरी पोस्ट है जूनियर इंजीनियर सब इंस्पेक्टर इलेक्ट्रिकल की और यहाँ पे 3 पोस्ट भूतपूर्व सैनिकों के रिजर्व करके रखे हैं। नंबर ऑफ वैकेंसीज भूतपूर्व सैनिकों के लिए 8 रिजर्व करके रखी गई हैं। पेमेंट 6 के हिसाब से दी जाएगी, 35,400 रुपये से 1,12,400 रुपये। ऑनलाइन के माध्यम से अप्लाई करना होगा। और यहाँ पे जो एजुकेशन रखा गया है दोस्तों, सब इंस्पेक्टर के लिए 3 साल का डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड होना चाहिए, जो कि आपने सेंटर या स्टेट किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से किया हो। और जूनियर इंजीनियर जो कि सब इंस्पेक्टर है इलेक्ट्रिकल, इनके लिए भी 3 साल का डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से होना चाहिए, कोई भी इंस्टीट्यूट हो सकता है सिविल या सेंटर का या फिर स्टेट का। एज जो रखी गई यहाँ पे 30 साल रखी गई है, लेकिन भूतपूर्व सैनिकों को एज रिलैक्सेशन एज पर सेंट्रल गवर्नमेंट रूल के अनुसार दिया जाएगा। तो ये वैकेंसीज का डिटेल नोटिफिकेशन कुछ ही दिनों में आ जाएगा। उस जो डिटेल नोटिफिकेशन जब भी आएगा उससे संबंध में वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।